मोबाइल न्यूज 24 मैं हूं नूपुर सिंह और वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का। यूक्रेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर बैन लगाने का फैसला लिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की सरकार ने ये फैसला लिया है। यूक्रेन का दावा है कि टेलीग्राम के जरिए रूस उसके देश पर जासूसी कर रहा है। आतिशी बनी दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री, एलजी ने 5 विधायकों को भी दिलाई शपथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और मांग की कि राकंपा के दोनों गुटों को नए चुनाव चिन्ह दिए जाएं। तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी होने के विवाद के बाद अब कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार एक्शन में आ गई है। सिद्धारमैया सरकार ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें राज्य के मंदिर प्रबंधन निकाय के अंतर्गत आने वाले सभी 34,000 मंदिरों में नंदिनी ब्रांड का ही घी इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अन्ना सेबेस्टियन पेरायल के माता पिता से बात की, जिनकी अर्नेस्ट एंड यंग में कथित तौर पर अत्यधिक काम के दबाव के कारण मृत्यु हो गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह भारत में लाखों पेशेवरों के लिए काम की परिस्थितियों में सुधार के लिए लड़ेंगे। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और इस पर कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे चेहरे पे खुशी छलका देता है। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में गाय की चर्बी की बात पर हर जगह हंगामा मचा है। अब भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलांजे ने आंध्र प्रदेश सरकार से मामले की गहन और निष्पक्ष जांच की मांग की है। मंत्री ने कहा कि तिरुपति लड्डू मामले में आंध्र प्रदेश सरकार या तो विशेष टीम गठित करे या मामले को सीबीआई को सौंपे। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी की जगह लेंगे, जो 30 सितंबर 2024 को पद से मुक्त होंगे। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाले में सीबीआई ने राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत को बताया कि भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। अनुमति पत्र दाखिल करते हुए जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि मामले में करीब 30 अन्य आरोपित भी हैं, जिनके लिए अभियोजन मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है। बीएचयू के आयुर्वेद विभाग की राष्ट्रीय संगोष्ठी में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि इस समय तिरुपति तिरुमाला प्रसादम की खबर आ रही है। लोगों के मन में प्रसाद के प्रति श्रद्धा होती है, लेकिन ऐसे मामले शंका उत्पन्न करते हैं। बिहार में भाजपा के जिला महामंत्री रहे राकेश विश्वास ने पार्टी से इस्तीफा देकर राजद का दामन थाम लिया है, जहां उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद राजद की सदस्यता ग्रहण की। दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अचानक अफरा तफरी मच गई। फिलहाल आग बुझाने का काम जारी है। वहीं आग क्यों लगी अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। पंजाब के जालंधर के दमोरिया पुल के पास एक बर्फ कारखाने में अमोनिया गैस लीक हो गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 श्रमिक बेहोश हो गए। पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इलाके को बंद कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 23 सितंबर को हरियाणा के टोहाना दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से नई अनाज मंडी और नगर परिषद टोहाना के 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही इस क्षेत्र को अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती थाना क्षेत्र बिलासपुर में रेलवे ट्रैक पर लोहे का पोल रख नैनी जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को बेपटरी करने का प्रयत्न करने के प्रकरण में पुलिस ने 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झारखंड से आने वाले वाहनों पर लगाए गए 3 दिन की रोक हटा ली है। बता दें कि झारखंड के तेनुघाट मैथन और पंचेत बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे राज्य के खर्चों में कटौती के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 21 से 29 सितंबर तक अपने इस्तेमाल के लिए आवंटित हेलीकॉप्टर को कंपनी को वापस करने का निर्णय लिया है। बता दें कि इस कदम से सरकार को 30 लाख रुपए की बचत होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी से सवाल करते हुए कहा कि राज्य को कभी भी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं बदला गया। हम पूछ रहे हैं कि आपने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? आपके पास सारी शक्तियां हैं।
पुणे में संत ज्ञानेश्वर एवं संत तुकाराम पालकी मार्ग का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यहां कहा कि संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का उद्घाटन दिसंबर तक किया जाएगा। बदायूं पहुंचे गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी, बोले तिरुपति बालाजी लड्डू प्रकरण से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँची है। राजस्थान के कई हिस्सों में कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जगह मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन भी किया। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारी टीम को हौसला बुलंद करता है और हम रोजाना ही ऐसे दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।